हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फैजाबाद धरना खत्म ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। लोगों ने कुरान पाक पर अमल करना छोड़ दिया। क्या अदालतें बंद हो गई हैं? कल कोई और मसला होगा तो फिर शहर बंद हो जाएगा। एजेंसियों पर इतना पैसा खर्च करते हैं, बताएं उनका किरदार क्या है? जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, मुआशरे और जहन को डंडे से बदल नहीं सकते। अटॉर्नी जनरल का जवाब, इस्लाम अमन से फैला, डंडे से नहीं। इस्लाम के खिलाफ बात पर खामोश नहीं रहना चाहिए। जस्टिस काजी ईसा फाइज। फैजाबाद धरने पर सुप्रीम कोर्ट में समात, अना और तकबर सबसे बड़ा गुनाह है। अपनी शोहरत के लिए सब हो रहा है, इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा। जब रियासत खत्म होगी तो फैसले सड़कों पर होंगे। बताया जाए कितने पर्चे काटे गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार, 18 मुकदमात में 179 लोगों को गिरफ्तार किया। रास्ते बंद होने से एक बच्चा वफात पा गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जवाब, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये सूरत धरने वालों के दिल में समा जाती तो उठकर चले जाते। अदालत के रिमार्क्स। फैजाबाद धरने से मुतालिक ISI की रिपोर्ट मुस्तरद। इससे अच्छी रिपोर्ट तो मीडिया दे रहा है। धरना कायदीन के कारोबार क्या हैं? उनके पीछे कौन है? क्या ये लोग बाहर से आ रहे हैं जो ISI को मालूम नहीं? अगर कानूनी मसला है तो हमें बताएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रिपोर्ट दोबारा मुरतब करने का हुक्म। वजारत दाखिला और वजारत दिफा की रिपोर्ट भी जमा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत तमाम हालात से आगाह थी। जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क, फैजाबाद धरने पर समात जुमेरात तक मुलतवी। इंटेलिजेंस के सीनियर अफसरान अदालत तलब, आइंदा समात पर संजीदा इकदाम के साथ आएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क। फैजाबाद में तहरीक लब्बैक का धरना जारी। सड़कें बंद होने से आवाम आज भी परेशान। कराची की नुमाइश चौरंगी पर भी धरना। हुकूमत की गैर संजीदगी पर आवाम फट पड़े। इनकी मुतालबात अगर जो है, अगर माकूल, अगर उनकी जो है मुतालबात है तो उनको मानना चाहे, अगर गैर माकूल है तो वो गवर्नमेंट की जो रिट है वो कायम करना चाहे। मरीज मर रहे हैं सड़कों पर, बच्चे, औरतें, स्कूलों वाले, यूनिवर्सिटियों वाले, ड्यूटियों वाले, तमाशा बना हुआ है इस मुल्क में। जो भी बंदा आए, 200 बंदा लेके कानून हाथ में लेके फिर रहा है। जज्बे खाकी लाहौर में उनके घर पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा कुछ देर बाद क्यूलरी ग्राउंड में होगी। मेजर इसाक गुज़िश्ता रोज DI खान में शहीद हो गए थे। हमारा यही डिमांड है, जिसने भी करप्शन किया है, वो सियासी हो या गैर सियासी हो, सबका एहतसाब हो जाए। पनामा स्कैंडल में जितने लोग मुलविस हैं, 436 अपराध है, उन सबका एहतसाब कौम की आवाज है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर से मुतालिक सिराजुल हक की दरखास्त पर समात आज होगी। करप्शन में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। इसाक डार से वजारत का कलमदान वापस, 3 माह की छुट्टी मंजूर। जिम्मेदारियों से सुबुकदोशी और छुट्टी की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। जराए के मुताबिक वजीर आजम वजारत खजाना का कलमदान अपने पास रखेंगे। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार सऊदी शहजादों पर अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स के तशद्दुद का इंकशाफ। शहजादा अल वलीद बिन तलाल को भी उल्टा लटका कर मुजरिम के तौर पर तफ्तीश की गई। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा।
जिला मुसलमानों की मुश्किलात कम ना हुई। 6,000 पनाह गुजीन बांग्लादेश की सरहद पर मौजूद, पानी और खुराक की शदीद किल्लत का सामना।